नई शिक्षक भर्ती यूपी में आने से सिलेबस में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। सिलेबस के साथ साथ पैटर्न में भी कुछ बदलाव हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ नए और कुछ पुराने ऐसा क्या है दोनों सिलेबस में जो कॉमन रहेगा, जो आपको पढ़ना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उस बढ़ती संभावनाएं में क्या क्या बदलाव हमें सिलेबस के पैटर्न में देखने को मिल सकता है, एक एक करके इन बातों को जानेंगे। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं और अगर आप टेट पास हैं तो आपके मन में ढेर सारे सवाल आएंगे। जैसे कि मैं बात करूं क्या क्या महत्वपूर्ण इस वीडियो लेक्चर हम चर्चा करेंगे। अगर पहली बात करें तो यहाँ पर यह है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का नया पाठ्यक्रम क्या होगा, मतलब जो संभावित पाठ्यक्रम है वो क्या हो सकता है। उसके साथ साथ निगेटिव मार्किंग, जी हाँ, अब नई शिक्षक भर्ती जो है वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगी, तो ये आयोग अब क्या बदलाव करेगी। अभी तक इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब ये संभावनाएं बन रही है कि आने वाली नई शिक्षक भर्ती में अब नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, नकारात्मक अंक भी रहेंगे, 150 की जगह 120 प्रश्न, माने नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले 150 प्रश्नों का पूरा पाठ्यक्रम था, पूरा सिलेबस था, अब उसकी जगह 120 प्रश्न आएंगे। जब प्रश्न कम हो जाएंगे तो सीधी सी बात है कि कुछ सिलेबस बदलाव होगा, लेकिन जो पुराने सिलेबस को पढ़ते आ रहे थे क्या उनका कोई नुकसान होगा, जी नहीं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अगर आप पुराना सिलेबस को ध्यान में रखकर अभी अपनी तैयारी करते हुए आ रहे थे तो आपको किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। प्रश्न पैटर्न में बदलाव होगा, जी हाँ, प्रश्न के पैटर्न में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तक जो आप पढ़ाई करते आ रहे थे, जो पढ़ रहे थे, वो जो पैटर्न था, अब परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है। अब पूरी तरह से ये एनसीईआरटी पर आश्रित हो चुका है। अब वन लाइनर वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते। अब अगर आप सोचें कि आप एमसीक्यू के प्रश्नों को पढ़कर जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो ये आपकी भूल है। हाँ, एक चीज जरूर है कि इसके लिए आप यूपी टेट जूनियर और प्राइमरी के प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार जरूर पढ़ लें, और साथ ही साथ अब उसके साथ एससीईआरटी जो राज्य सरकार किताबें हैं उसे एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है उसके लिए रनिंग विद रिग्रेस नोट्स भी आपको मिल सकते हैं, वो भी आप लेकर पढ़ सकते हैं, जो आपके सहयोग कर सकता है। दूसरी बात यह है, न्यू और ओल्ड सिलेबस में क्या अंतर है, मतलब अगर हम बात करें न्यू और ओल्ड, ये दोनों जो सिलेबस है इसमें क्या अंतर देखने को मिल रहा है, आखिर ऐसा क्या है जो न्यू सिलेबस में ओल्ड में नहीं और ओल्ड में है न्यू में नहीं, ये बातें आपके लिए जानना जरूरी है। उसके साथ क्या नहीं बदलेगा, माने सिलेबस में क्या क्या नहीं बदल रहा है और क्या क्या बदल रहा है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या क्या बदल रहा है और क्या क्या नहीं बदल रहा है इस नए आने वाले संभावित शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर मैं बात करूँ। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि टेट के 1/4 अंक एकदम अफवाह लगातार बनती चली जा रही थी और कहा जा रहा था कि अब नई शिक्षक भर्ती जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा वहां पर टेट के 1/4 अंक जोड़े जाएंगे, जबकि कतई ऐसा नहीं है। टेट केवल क्वालिफाई रहेगा, आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके इस जो अंक होगा, जो नई शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, इस भर्ती परीक्षा के आधार पर ही आपके सिलेक्शन होने वाले हैं। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो चुका है कि जो नया सिलेबस के साथ साथ पैटर्न आपको पूरा नया मिलने वाला है, मतलब पुराने पैटर्न पे आपको काम नहीं करना है, अब आपके लिए नया पैटर्न होगा और इसी पैटर्न के आधार पर आपको इन भर्ती परीक्षाओं में फोकस करना। अगर आप अब की बार एक सीट हमारे के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब केवल केवल बीटीसी के अभ्यर्थी पेपर दे पाएंगे, डीएलएड के अभ्यर्थी पेपर दे पाएंगे, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि दोनों में क्या बदलाव, क्योंकि अगर आप एक सरकारी शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। एक एक करके हम सभी सवालों के जवाब के लिए चलते हैं, एक एक करके हम सब पर बात करेंगे। पहली बात, शिक्षक भर्ती का पाठ्यक्रम, जी हाँ, सिलेबस में थोड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। निगेटिव मार्किंग संभावना हो सकती है, मतलब ये देखिए इसका जो पाठ्यक्रम है वो आपको नया मिलने वाला है। दूसरा, निगेटिव मार्किंग हो सकती है क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हो रही है, इस दशा में निगेटिव मार्किंग नकारात्मक अंक का भी प्रावधान इन परीक्षाओं में हो सकता है। दूसरी बात, 150 की जगह 120 सवाल ही अब पूछे जाएंगे, मैंने अभी तक जो 150 प्रश्न थे अब 120 प्रश्न होंगे। समय की बात करें, समय जो था पहले टाइम 2.5 घंटे का होता था, 150 मिनट, वो अब भी 150 मिनट ही मिलेगा। हो सकता है आयोग जब पूरा पैटर्न आएगा तो हो सकता है सारी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये एक संभावित तथ्य जो मैं आपके सामने लेकर आया। प्रश्न के पैटर्न में बदलाव, ये 100% सही है कि पैटर्न जो है वो बदला हुआ आएगा। अब वन लाइनर सवाल आपको नहीं मिलने वाले, अब आपको थ्योरी पर फोकस करना पड़ेगा, और थ्योरी के लिए सबसे पहले अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो 8 तक की एनसीईआरटी, जिसमें गणित पूरा, विज्ञान पूरा, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना और समझना है। अगर गणित, विज्ञान और इतिहास, भूगोल की सीरीज आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए आधी दूरी आपने
तय कर रखी है। लेकिन साथ ही साथ यूपी टेट के प्रीवियस पेपर को अगर आप पढ़ लेंगे तो जो वन लाइनर टाइप के प्रश्न जो थ्योरी के रूप में या नए पैटर्न के रूप में आ सकते हैं वो सवाल आप कर लेंगे, अगर हो सकता है उसमें कुछ सवाल आपके रिपीट होते हैं तो। इसलिए आधार उसके वही रहेंगे जो पीएनपी करा चुकी है। न्यू और ओल्ड सिलेबस क्या होगा, इस पर भी मैं आपके सामने एक एक करके बात करूंगा कि इन दोनों में क्या अंतर है, न्यू और ओल्ड सिलेबस, इस पर भी मैं बात करूंगा और क्या क्या नहीं बदलेगा। आइए एक बार हम सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन रहेंगी। जैसे सबसे बड़ी चीजें एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए काफी अहम है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मैं आपके लिए निःशुल्क सीरीज सुपर टेट के लेकर आ रहा हूं जो आपके परीक्षाओं में काफी अहम और महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और अगर नोट संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर नोट संबंधित आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। वैसे फिलहाल अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको नहीं बदलनी है। गणित, अभी सवाल उठता है कि सर गणित तो पहले 20 नंबर के, लेकिन अब सिलेबस बदल जाए, पैटर्न बदल जाए, लेकिन आपको गणित पढ़ना, हो सकता है 20 के जगह 18 अंक हो जाए, 15 हो जाए, या 20 के जगह 25 अंक भी हो सकते हैं, लेकिन गणित जरूर आएगा क्योंकि अंक उसके कम या ज्यादा हो जाए आपको गणित का सिलेबस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और गणित एक ऐसा है जिसको प्राय लोगों को डर लगता है कि गणित सबसे बढ़िया आपके लिए स्कोरिंग है। तो आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमें कमेंट करके बताएं कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका गणित वीक है। हम गणित के लिए आपके लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आज से ही निःशुल्क सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें संपूर्ण गणित हम लेकर आएंगे। जैसा हमने 68,500 में 69,000 पूरी गणित पढ़ाया था उसी तर्ज पर हम आपके लिए गणित लेकर आएंगे। और अगर अभी आपको गणित से डर लगता है तो यकीन मानिए अगर हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी आपको गणित का डर खत्म हो जाएगा और गणित से आपको प्रेम हो जाएगा। गणित आपको जरूर पढ़ना है, सिलेबस बदल जाए, अंक कम ज्यादा होंगे, लेकिन आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। बात करते हैं भाषा, भाषा में आपको हिंदी भी पढ़ना होगा, संस्कृत भाषा आपको पढ़नी होगी और अंग्रेजी। अगर आपका सिलेबस में बदलाव होता, अगर पैटर्न में सिलेबस में अगर बदलाव होते भी हैं तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये चीज आपको नहीं बदलने वाली, माने आपको पढ़ना ही पढ़ना है, माने गणित भाषा में तीनों भाषा। अब जो 40 अंक थे हो सकता है 30 अंक हो जाए, हो सकता है 25 अंक हो जाए, 15 अंक का हिंदी कर दे, 5 अंक का संस्कृत, 5 अंक अंग्रेजी। लेकिन फिर मैं कहूंगा वही बात, सिलेबस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तक जो साथी सुपर टेट की तैयारी करते आ रहे वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं, यार मैं तो पूरा पढ़ लिया था अब तो अंक कम हो गए, एक नंबर दो नंबर का होगा, सिलेबस पूरा आपको पढ़ना है, कहां से पूछ देगा कोई गारंटी नहीं। और आप जानते हैं आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं, इसलिए जब मैं पढ़ाता हूं सिलेबस के साथ साथ आउट ऑफ सिलेबस ही पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि लोग परीक्षा के बाहर आने के बाद कहते हैं सर हमने तो जो पढ़ा था तो आया ही नहीं, सिलेबस के बाहर से पूछ लिया। तो सिलेबस एक क्राइटेरिया होता है, दायरा होता है, उसे हमें बांध कर रखना, लेकिन अपनी दूरी चांद तक करनी है, माने आपकी तैयारी चांद तक पढ़नी होगी ताकि आप सफलता तक पहुंच सके। भाषा के साथ साथ अगर हम बात करें जीएस जीके में दो सेशन हो सकते हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं एसएसटी और साइंस। एसएसटी होगी यहाँ पे और साइंस भी होगा। अब एसएसटी की अगर हम बात करें, एसएसटी में आप जानते हैं इतिहास पढ़नी है, भूगोल पढ़ना है, संविधान, मतलब इस एसएसटी में इतिहास, भूगोल और संविधान अर्थशास्त्र, ये आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान पढ़ने, ये आपके लिए अनिवार्य है, चाहे एक नंबर बने, चाहे पांच नंबर हो, चाहे दस नंबर, चाहे आठ। हाँ, पहले ये दस नंबर में थे एसएसटी, इसमें पर्यावरण भी है, अब इसमें पहले ये 10 नंबर का, अब जो होगा नया पैटर्न वहां पर जीएस पर जोर ज्यादा है, इस बार जीएस के अंक बढ़ जाएंगे और करंट विविध जो 30 नंबर का था वो नंबर कम हो सकते हैं, वो 30 की जगह 10 अंक आ सकता है और ये 10 की जगह 20 नंबर का साइंस 10 अंक हो सकता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, माने ये चाहे 10 नंबर में आए, 15 नंबर का हो, 20 नंबर का हो, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, मतलब इसके लिए आपको अपनी तैयारी क्या करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। तो
तो जितने भी लोग इसे पढ़ रहे थे देख रहे थे, अब उनके ये मन में आ गया, उनको समझ में आ गया यार हमें यहां से पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। साइंस में तीनों साइंस पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है, कंप्यूटर भी पढ़ना, मतलब इसमें आपको साइंस में ही ध्यान रहे। अगर मैं बात करूं तो यहां पर जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक, साथ साथ कंप्यूटर, मतलब आपको इतनी चीजों को पढ़ना होगा। इसके साथ या इसके बाद हम कहें तो अब जाकर यहां पर करंट, ये देखिए इसमें करंट और विविध, एक सवाल आ रहा है मन कि क्या सर सीडीपी रहने वाला है कि नहीं। आपके भी जहन मारा होगा कि सर क्या सीडीपी रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या आपको लग रहा है इस मन में ये चीज। अब हमारे और आपके जहन में एक सवाल आ कि सर सीडीपी जीवन कौशल शिक्षण कौशल जो 30 अंक, वहां पर भी आपके 10 अंक हो सकते हैं। मतलब यहां पर मैं बात करूं जो सीडीपी है, जो सीडीपी था आपका, वो उठाकर टोटल 10 अंक हो सकते हैं। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जो सीडीपी है आपकी वो आपका यहाँ पर 10 अंकों का हो सकता है। मतलब ये बात आपको समझनी जाननी जरूरी है। तो अगर हम बात करें कि 150 के जगह जो सवाल आपके 120 प्रश्नों के बनेंगे, तो उसमें से कुछ चीजें आपको कॉमन रहेंगी। हाँ, करंट विविध जो 30 का था उसे 10 अंक का कर सकते हैं, तो आपके 20 अंक वहां मार्जिन बच जाएंगे। साथ ही साथ रीजनिंग गणित के साथ रहेगा, रीजनिंग जो था वो गणित के साथ आपके बना रहेगा। सीडीपी में जीवन कौशल शिक्षण कौशल वहां से अंक कम कर सकते हैं, हो सकता है सीडीपी 15 अंक हो जाए। तो इस आधार पर जो प्रश्नों का प्रश्न बैंक आपका तैयार होगा वो कुल 120 अंक होंगे, जहां पर कंप्यूटर के 5 अंक आप जानते हैं, तो हो सकता है इसको 15 अंक, इसको 15 अंक कर दे। इस आधार पर विभाजित करके 10 अंक, 5 अंक में करंट और विविध भी कर सकता है। मतलब जितना अंक कम करे या बढ़ाए, आपको सिलेबस पूरा पढ़ना होगा, पैटर्न को पूरा कवर करना होगा। इस आधार पर, इसी उद्देश्य से आप सिलेबस को पूरा कवर कर पाएंगे। तो यहां तक आप लोग का जो तथ्य थे कि आपको समझ में आ गए, जो लोग इस वीडियो को यहां पर देख रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, अगर कोई दिक्कत हो, कोई मन में सवाल हो तो पूछ सकते हैं। एक बार अगर कहें तो मैं पुराने सिलेबस में बात कर लूं कि पुराने सिलेबस में क्या क्या चीजें थी। हाँ, यहां क्या क्या चीजें आपको एड ऑन होने वाली है। समय है आपके पास, आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं, जो पढ़ रहे थे वो रिविजन की तरफ बढ़ जाए। अब इसमें भी तैयारी कैसे करनी है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए एक अलग सी वीडियो लेकर आऊंगा। हाँ, अगर कोई जानकारी है, कोई समस्या हो, तब सबसे पहला काम टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़ जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश, जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, उसे आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम के साथ अगर वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। मेरे द्वारा क्लासेज आपके निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में रहेंगे और मैं अपने ज्ञान तक आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग भी अपने परिवार का सपना पूरा करके अपना बेस्ट और बेहतर दें। इस वीडियो को लाइक करें, साथ वीडियो को शेयर करिएगा। आपके मन में जो प्रश्न आए वो कमेंट करिएगा, हम उसको लेकर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। दूसरी बात, हम एक पुराने सिलेबस के पैटर्न के बारे में देख लेते हैं कि क्या पुराने में था और अब इस बार क्या आपको नए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। उस पर भी हम लोग पूरा पूरा फोकस करेंगे आपके साथ, ताकि हम नए और पुराने सिलेबस को एक बार आपके जहन में ला सकें। ये है शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो पुराना सिलेबस था, उम्मीद है इस बार सिलेबस में बदलाव देखने को, तो नया बदलाव क्या होगा इस सिलेबस को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसके पहले जो सिलेबस था वहां माँ बाप जानते हैं, इसके पहले पीएनपी परीक्षा कराती, लेकिन अब जो नई शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। पहले क्या क्या बदलाव इसमें हो सकते हैं वो समझिएगा। अब इसमें जो परीक्षा के समय 2.5 घंटा था, हो सकता है समय 2.5 घंटा ही रहे, या ये हो सकता है समय 2 घंटा कर दिया जाए, लेकिन उम्मीद है इस समय आपका 2.5 घंटा रहेगा। पूर्णांक 150 था, अब इस बार 120 प्रश्न हो सकते हैं, 1/3 या 1/4 माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। प्रश्नों की संख्या 150 या 120 हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या होगा, बहुविकल्पी, माने प्रश्न जो होंगे वो MCQ बहुविकल्पी ही होंगे। अब बात करें यहाँ पर विषय वस्तु का स्तर क्या, माने कक्षा 12 तक कठिनाई स्तर होगी, लेकिन आपको NCERT पढ़ना है पहले 8 तक SCERT NCERT कवर करना है, समय मिल गया तो 9-10 को कवर कर लें, लेकिन उसके बाद मैं अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी एक एक
सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको किताबें कौन कौन सी पढ़नी है, किन किन विषयों के लिए। मैं एक एक क्रमवार एक एक विषय की किताबें के लिए नाम बता दूंगा। अभी फिलहाल हम इस पर केवल सिलेबस पर ही बात करेंगे। यहाँ पर थी भाषा, तो मैंने आपसे पहले एक चीज बताया होगा, शायद आप ध्यान दिए होंगे कि भाषा नहीं बदलने, मतलब भाषा जरूर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो भाषा, ये आपका पैटर्न बदल जाए चाहे आपका सिलेबस बदल जाए, ये आपको पढ़ना है। नंबर इसके कम या ज्यादा हो सकते हैं, मैंने आपको हिंदी भी पढ़नी है, अंग्रेजी भी पढ़नी है और संस्कृत भी पढ़नी है। हो सकता है 10 का हिंदी कर दे, 5 संस्कृत, 5 अंग्रेजी, या हो सकता है तीनों 10-10 नंबर एक कर दे। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग के पास हिंदी संस्कृत अंग्रेजी खुद उन्होंने नोट्स लिया और नोट्स बनाया हो, लग रहा है तो सिलेबस बदल गया, मेरा क्या होगा। कुछ भी बदले, पूछेगा तो व्याकरण ही, पूछेगा तो पैसे से ही सवाल। तो ये ध्यान रखिए, ये तीनों आपको पढ़ने पड़ेंगे पैटर्न में। इसके बिना पढ़े आप सरकारी शिक्षक नहीं बनेंगे। विज्ञान भी आपका रहेगा, विज्ञान का स्तर 8वीं तक ही होगा, बेशक 12 तक लिखा, लेकिन हो सकता है कक्षा 10 तक बढ़ जाए, क्योंकि उससे ऊपर आप विज्ञान पे 11-12 किताबों की तरफ फोकस मत करेंगे। विज्ञान के साथ में कंप्यूटर भी जुड़ा रहेगा, विज्ञान में रसायन विज्ञान है, विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों रहेगी, कंप्यूटर को मिलाकर आपको पढ़ना है। करंट के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़नी होगी। गणित में कक्षा 10 तक की कठिनाई स्तर होगी, यहाँ 12 तक लिख रहा है लेकिन 10 तक आपको तैयार करने हैं। गणित का सिलेबस आपको पूरा पढ़ना, अंक कम या ज्यादा हो जाए, और गणित बिना पढ़े आपको सिलेक्शन नहीं होना। गणित बहुत सारे लोग का यूक वीक होता है कि डर लगता है सर मेरा गणित में कैसे होगा, तो अगर आपको ऐसा है आपको डर लगता है तो आप इसके साथ एक क्लासेज में शुरू करूंगा गणित की स्पेशल, मतलब सुपर टेट गणित स्पेशल क्लासेज। अगर आप लोग को लगे कमेंट करिए, अगर आप लोग तैयार हो तो कुछ किताबें का नाम मैं बताऊंगा, उस किताब को लेकर अपने पास रखिए और हमारे साथ पढ़ाई शुरू करिए। यकीन मानिए हम आपकी काफी मदद कर पाएंगे, गणित का डर दूर होगा, गणित में अच्छा स्कोर करेंगे। ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कैसे विकल्प से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, कैसे परीक्षा में दिमाग लगाते हैं, मतलब प्रश्न हम पढ़ते हैं गणित तो समझ में आता है लेकिन जब हम परीक्षा हॉल में जाते हैं तब तो लगता है नया नया सवाल आ गया, या थोड़ा सा पैटर्न बदला हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे गणित की ये चीजें आपको किस तरह से दूर। जैसे पर्यावरण की बात आती है, पर्यावरण तो पूछेगा ही, लेकिन पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक अध्ययन एसएसटी ये भी आपको पढ़ना, मतलब सिलेबस बदल जाए पैटर्न बदल जाए यह आपको जरूर से पढ़ना है। मैंने ऊपर ही बता दिया, इसमें इतिहास भूगोल संविधान अर्थशास्त्र पर्यावरण भी पढ़नी है। ईवीएस बिना पढ़े आपका चल न्यून है, ईवीएस 4 और 5 में पढ़ाए जाते हैं, 6, 7, 8 के लिए ईवीएस आती है। अब इतने के साथ साथ करंट विविध के प्रश्न की संख्या कम हो सकती है, उनके अंक कम हो सकते हैं, जब प्रश्न कम होगा तो उनके अंक भी कम होंगे। रीजनिंग गणित के साथ जुड़ा रहेगा, जो मानसिक योग्यता के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सीडीपी का सेक्शन, देखिए अब एक बार अगर हम पहले देखा जाए, इसके अलावा देखिए शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन और वृद्धि, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपके थे इनमें ये पूरा मिलाकर ये सीडीपी के नाम से आपके लिए हो सकता है। जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, सूचना तकनीकी, ये कंप्यूटर का जो हिस्सा था ना सूचना तकनीकी, अब यह पूरा 20 नंबर में, 15 नंबर में या 10 नंबर में सीडीपी के नाम से भी हो सकता है, लेकिन पढ़ना आपको ये सारे, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके अनुसार, देखिए भाषा आपको पढ़नी है, विज्ञान पढ़ना है, गणित पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, सामाजिक अध्ययन पढ़ना है, स्तर ये है। फिर शिक्षण कौशल, ये बाल मनोविज्ञान के नाम से, मैंने शिक्षण कौशल हो गया, जीवन कौशल प्रबंधन, और ये डीएलएड बीटीसी का पाठ्यक्रम होगा। तो अब हमें बात करूं तो इस बार जो पूरा पैटर्न होगा ना वो एनसीईआरटी के साथ साथ, देखिए अब जो परीक्षा होगी वो एनसीईआरटी, उसके साथ साथ आपको जो डीएलएड है परिवर्तित नाम बीटीसी, इसके पाठ्यक्रम पर ही पूरा पेपर आ सकता है, इसी पर आधारित होने वाला है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखें। पहले प्रश्नों की संख्या जो थे वो 150 थे, जो आप सिलेबस में देखा होगा। तो इस प्रकार से नया पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है इस आने वाले परीक्षा। हाँ, प्रश्न कैसे पूछा जाएंगे उसके लिए अगर हम कहेंगे तो मैं एक प्रैक्टिस की क्लास शुरू कर दूंगा,
ताकि जो नए प्रश्न पूछने का ट्रेंड है वो आपके मन में आ जाए कि किस तरह के नए सवाल अब आयोग पूछ सकता है, क्योंकि नया आयोग नए तरीके से काम करेगा। संख्या बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, और कम से कम 3 से 4 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो टेट पास है। हो सकता है संख्या 6 से 7 लाख भी आ जाए, क्योंकि अब केवल BTC 1.5 लाख के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इन चीजों को ध्यान से देखिएगा। अब हाँ, नोट्स के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस पैटर्न में बदलाव हो रहा है, तो सबसे पहले आप ये कोशिश करिए आप पहले क्लासेज को समझने का प्रयास करिए। जैसे गणित पर फोकस करिए, जो वीक है उसे स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करिए, उसे पढ़िए, कहाँ कमी उसे सुधारिए, लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उसे रिविजन पर लगा दीजिए। और अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि काफी दिन के बाद एक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, ऐसा ना हो कि आपके हाथ से निकल जाए। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, लाइक नहीं है तो लाइक करके रखिएगा, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा इलनी विद दुर्गेश को, इंस्टाग्राम पे इलनी विद दुर्गेश को, क्योंकि आज गेस्ट के रूप में इलनी विद दुर्गेश के माध्यम से पढ़ाता रहा हूँ, आगे भी मैं पढ़ाता रहूँगा जब तक मुझसे हो पाएगा। और मैं चाहूँगा आप भी सफल हो, अपने परिवार का सपना पूरा करें, यकीन मानिए आपकी मेहनत ही आपकी सफलता तक पहुँचा सकती है, इसलिए आप अपना बेस्ट और बेहतर, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिएगा, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाली परीक्षा के लिए। रेस के घोड़े में सा रेस में अच्छे लगते हैं खेत में, और आप रेस के घोड़े हैं और आपकी रेस सिलेक्शन से, और आप लग जाइए अपने आने वाले कल के लिए। जिंदगी मौके कम धोखे ज्यादा देती है, एक लंबे गैप के बाद आपको भर्ती देखने को मिल सकती है, इसलिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, अपनी किताबों को झाड़ पोछ कर लगा दीजिए उन्हें काम पर, और खुद भी लग जाइए उनके साथ काम पर, यकीन मानिए आप सफल जरूर होंगे। आपको अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करिएगा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा। हम आपके लिए गणित की सीरीज शुरुआत कर रहे हैं, गणित के साथ पर्यावरण की सीरीज भी शुरू करेंगे जिसमें सामाजिक अध्ययन आ जाता है। अगर आपका इसमें कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करिएगा, हम नोट्स के माध्यम से पूरी थ्योरी आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आप हमारे साथ पढ़ें और सिलेक्शन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके जुड़े रहिएगा ताकि सभी क्लास की नोटिफिकेशन, लिंक, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाए। सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, आपको सभी चीज़ें वहाँ पर एक ही जगह मिल जाएंगी, ठीक है? सभी लोग जो लोग भी वीडियो को देख, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।